तो हम क्या करेंगे अब आगे, मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर वॉल्यूम है तो उस केस में मैं क्या करना है। ठीक है, मैंने एक फॉर्मूला कल दिया था, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। और मोलर मास क्या होता है, वन मोल किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसे आप मोलर मास कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि वन मोल का मास कितना होगा, तो वो होगा आपका जो भी आपने एटम लिया है उसका एटॉमिक मास, और अगर कोई मॉलिक्यूल लिया है तो उसका मॉलिक्यूलर मास। इस चीज को बहुत अच्छे से लिख लेना कि वन मोल का मतलब क्या है, कि वन मोल, मैंने पूछा वन मोल में कितना, वन मोल कार्बन है उसका मास कितना होगा, तो सीधा सीधा वन मोल कार्बन का मतलब है जो कार्बन का एटॉमिक मास है, और कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, 12। ठीक है, मैंने कहा कि वन मोल में कितना वॉल्यूम है, तो सीधा सीधा लिखेंगे 22.4 लीटर। याद कर लो इस चीज को, 22.4 लीटर। ठीक है, मैंने कहा वन मोल में पार्टिकल कितने हैं, कोई भी चीज है वो कितनी है, तो वो होगी 6.023 × 10⁻²। इस चीज को बिल्कुल नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। दोबारा बोल रही हूँ, ये आपका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, और वन मोल किसके बराबर है, एटॉमिक मास के या मॉलिक्यूलर मास के। मैंने कहा वन मोल वाटर का मास कितना होगा, तो वन मोल वाटर का मास होगा 18 ग्राम, क्योंकि 18 जो है वो वाटर का मॉलिक्यूलर मास है। मैंने कहा वन मोल हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना होगा, आग बंद करके लिख देंगे 22.4 लीटर या 22,400 ml, अगर ml में कन्वर्ट करना है तो 22,400 ml। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि वन मोल कोई पार्टिकल है तो उसमें कितने पार्टिकल होंगे, तो सीधा सीधा 6.023 × 10⁻²³। इस कंसेप्ट को बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि वन मोल का मतलब ये होता है, अगर मास में पूछा है तो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, अगर वॉल्यूम में पूछा है तो 22.4 लीटर या 22,400 ml, और अगर पार्टिकल या कोई भी चीज पूछी है तो 6.023 × 10⁻²³। हो गया, समझ में आई बात? Yes. समझ में आई? कोई एक बच्चा अपना स्पीकर ऑन कर लो ताकि मुझे पता चल जाए, कोई भी एक बच्चा। सुजल आ गया मैम। ठीक है, अब लिखो, मैंने कहा एक चीज है 1 ग्राम एटम, इसका क्या मतलब होता है, या फिर 1 ग्राम मॉलिक्यूल, इनका क्या मतलब है, इन दोनों का जो मतलब है वो 1 मोल के बराबर है। जैसे आपने कहा 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब अगर आपने कोई एटम लिया है और तो उसका मास, उसका जो 1 मोल होगा उसको हम 1 ग्राम एटम से भी रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम है, लेकिन किस केस में, एटम के केस में। लेकिन अगर आपने कहा मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल किसके बराबर है, 1 मोल मॉलिक्यूल के बराबर है, मतलब आप कह सकते हो कि 1 ग्राम एटम हो या 1 ग्राम मॉलिक्यूल हो, ये दोनों की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, 1 मोल के बराबर। यानी आपको अगर कह दिया हो कि 1 ग्राम एटम का मास बताइए, तो इसका मतलब भी 1 मोल का के बराबर है, इसका मतलब भी 1 मोल के बराबर है। ठीक है, मैं अब तुम्हें एक दुख न्यूमेरिकल करा रही हूं, कैलकुलेट मास ऑफ 2.5 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम। इसने पूछा है कि मास बताना है 2.5 ग्राम एटम ऑफ Mg का।
ठीक है, मैंने आपसे कहा कि 1 ग्राम एटम किसके बराबर है, 1 मोल के। 1 ग्राम एटम किसके बराबर है, 1 मोल के। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, इसके लिए हम फॉर्मूला बना सकते हैं, 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू, अब मोल मोल निकालते हैं तो क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मिटा रही हूं इसको मैं, नोट कर लो फटाफट, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हम क्या लिखेंगे, आपको ग्राम एटम दे रखा है 2.5 ग्राम एटम दे रखे हैं, इज इक्वल टू, आपको पूछा उसका मास कितना है, यानी आपको पूछा है गिवन मास कितना है, अपॉन अपॉन मोलर मास। अब मैग्नीशियम का मोलर मास कितना होता है, 24, मैंने कल ही लिखाया है आपको 24, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 24, 2.5 इंटू 24, दिस इज 60 ग्राम। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1 ग्राम एटम किसके बराबर है, 1 मोलर। दोनों का निकालने का तरीका भी सेम है, अगर 1 ग्राम एटम लिखा हो ना तो समझ लेना कि ये 1 मोल बोला है इसने, ग्राम एटम को आप मोल से रिप्लेस कर सकते हो, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन और दे रही हूं, कैलकुलेट ग्राम एटम इन 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का मोलर मास है, मोलर मास, अब आप लोग करेंगे इसको सॉल्व फॉर्मूला लगा के, मोलर मास ऑफ एन है 14, करिए फटाफट, करिए। बेटा इसका आपको ग्राम एटम निकालना है बेटा, देखो हमें ग्राम एटम का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम एटम इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब ग्राम एटम मोलर मास कितना दे रखा है इसमें, ग्राम गिवन मास कितना दे रखा है, 1.4, मोलर मास कितना है, 14, और क्या 2. ये नहीं लिखा इसने, कैलकुलेट ग्राम एटम इन 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, हां सर 0.1, शाबाश 0.1, 0.1 ग्राम एटम, 0.1 ग्राम एटम, समझ में आया। स्नेहा सविता, स्नेहा सविता, राज, गणेश, यस मैम, समझ में आया। एक क्वेश्चन और लिखो, अब आपको निकालना है हाउ मेनी मॉलिक्यूल, हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल, हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, H2SO4 का मैं मोलर मास बता रही हूं आपको, मोलर मास है 98, कल मैंने निकलवा दिया था आप लोगों को, फटाफट निकल के दिखाइए, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, नोट कर लो पहले फटाफट, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल गिवन मास अपॉन, मैं मोलर मास को एमएम लिख रही हूं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब गिवन मास दे रखा है 4.9,
मोलर मास दरकार 98 तो कितना हो गया 0.05। हाँ शाबाश आ गया 0.05 ग्राम मॉलिक्यूल। वेरी गुड। आप लोगों को कंसेप्ट एक बार समझ में आ गया तो सारे न्यूमेरिकल बनेंगे इसके। बस एक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए तुम्हें। हो गया सबका? सागर तरुण सबका हो गया? यस मैम। ओके बेटा अगला क्वेश्चन। कैलकुलेट द मास ऑफ 0.72 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2। निकालो इसको। CO2 का मोलर मास 44 होता है। जल्दी से आंसर बताओ सब। ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। आ गया समझ में? आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग मुझे। कैलकुलेट इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही ठीक है। कैलकुलेट की मोल्स निकालने आने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। केमिस्ट्री में मोल्स निकालने आने बहुत, क्योंकि सारी मोलैरिटी सारे टर्म्स जो हैं वो इसी से रिलेटेड है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.25 मोल ऑफ कार्बन। 0.25 ग्राम मोल ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला है लिखो। अब मैं फॉर्मूले बनवाती जा रही हूं। मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। जैसे इसमें पूछा है नंबर ऑफ एटम्स, तो ये जो एटम और मॉलिक्यूल लिखा है ना, इसका मतलब यही है नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। मोल में से कन्वर्ट करना है। नोट कर लिया फॉर्मूला? नोट कर लिया? यस मैम। चलो अब देखो नंबर ऑफ मोल कितने दे रखे हैं 0.25, ठीक है। और नंबर ऑफ एटम हमें पता नहीं है, मैं इसको एक्स मान रही हूँ। नंबर वैल्यू है कितनी 6.023 × 10⁻²23। तो वैल्यू कितनी आ गई? एक्स इज इक्वल टू आ गया 6.023 × 10⁻²23 × 0.25। सॉल्व कर लीजिए इसको। 1.5 × 10। शाबाश। 1.5 × 10⁻²23 एटम्स। 10⁻²23 एटम्स। निखिल समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.20 मोल ऑफ ऑक्सीजन नोट करिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.20 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। फॉर्मूला सेम लगेगा?
फॉर्मूला सेम लगेगा, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, अपॉन एवोगैड्रो नंबर 3.2 शाबाश, बिल्कुल ठीक। तो क्या कर देंगे, मोल इज इक्वल टू ये फिर एक्स मान लो 6.023 into 10 raised to power 23 और मोल दे रखे हैं आपको 0.2, ठीक है। तो x is equal to हो जाएगा 0.2 into 6.023 into 10 raised to power 23, तो ये आ गया आपका 1.205 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल। अब अगर मैं ये कहूँ आपसे इसमें एटम कितने हैं तो कैसे निकालोगे, और एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, दो, ओ और ओ दो होते हैं ना, तो इसमें कितने एटम हो गए, 2 into 1.205 into 10 raised to power 23, बस दो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको निकल के आ जाएगा। कैसे करेंगे, इसमें वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हैज टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू कितना है, 1.205 into 10 raised to power 23 into 2, इससे आपको एटम निकल के आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. अच्छा एक क्वेश्चन और लिखो, हाउ मैनी एटम्स ऑफ ईच टाइप आर प्रेजेंट इन 143 ग्राम ऑफ वॉशिंग सोडा, फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। अब आपको क्या बताना है, Na2CO3 में जितने भी एटम्स हैं उन सब के एटम के अमाउंट बताने हैं। पहले इतना नोट करो फिर मैं बताती हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ आपको, H2SO4 का मैं करा चुकी हूँ, लेकिन मैं दोबारा बता रही हूँ, नोट करो पहले इसको। कर लिया। चलो ठीक है, पहले तो मोलर मास निकालो, मोलर मास ऑफ Na2CO3.10H2O, मोलर मास निकालो कितना हो जाएगा, निकालेंगे तो 286 आ जाएगा इसका, और निकालना मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूं। पहले Na का लेंगे, CO3 का लेंगे और 10 into 18 कर देंगे तो 286 आ जाएगा। अब इसे मोल में कन्वर्ट कर लो, कितना होगा, मोल हो गया गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास दे रखा है 143 इज इक्वल टू, गिवन मास दे रखा है 143 अपॉन 286, ये दो बार कट गया, 0.5 इतना नोट करो 0.5 इतना नोट करो। अब लिखो वन, इसमें करेंगे हम वन मोल ऑफ Na2CO3.10H2O,
कंटेन कितने सोडियम? टू एटम, टू ग्राम एटम या टू मोल? एक मिनट, कंटेन कितने एटम? टू इंटू 6.023 इंटू 10^23 एटम्स, या इसे टू मोल एटम कह सकते हो, टू मोल एटम भी लिख सकते हो, चाहो तो इसे टू मोल एटम लिख लो, टू मोल एनए। तो कितना निकाला आपने? 0.5 Na2CO3.10H2O कंटेन कितने सोडियम? 2 × 0.5 मोल ऑफ Na, ठीक है। और इसे एटम में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 6.023 × 10^23 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 0.5 × 6.023 × 10^23 एटम्स ऑफ Na, ऑफ Na। अब आप मुझे निकाल के दिखाइए कार्बन, नहीं कार्बन नहीं, मुझे ऑक्सीजन निकाल के दिखाओ, कार्बन तो सेम है, कार्बन की वजह से कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन निकाल के दिखाओ और वाटर निकाल के दिखाओ। जल्दी जल्दी निकाल के दिखाइए सब लोग। थ्री मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो 0.5 कंटेन, 0.5 × 3 मोल, और इसे एटम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 0.5 × 3 × 6.023 × 10^23 9.03 × 10^23 ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं, वाटर के कितने हैं? 10 मोल है वाटर के, तो 0.5 में कितने हो जाएंगे? 5, ठीक है। समझ में आ गया? चलो यस मैम, आ गया। चलो सबको, कोई ऐसे डाउट वाला बच्चा तो नहीं बैठा जिसको नहीं समझ में आया हो? मैम वाटर वाले में 0.5 × 10 करेंगे, 0.5 × 10 कर देंगे और फिर उसको 6.023 × 10^23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। yes. लेकिन अगर ये पूछ लेना कि अलग अलग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाए हैं, तो आपको देखो जब पहला हमने ऑक्सीजन निकाला ना, हमने तो उसमें 3 निकाले हैं ऑक्सीजन, लेकिन फिर उन 10 को भी काउंट करना पड़ेगा, 13 हो जाएंगे वहां पर। अगर वो ये कहे ना कि बिल्कुल हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब अलग अलग निकाल, तो आपके पास ऑक्सीजन के 13 मॉलिक्यूल बनेंगे, 13 एटम बनेंगे, 13 मोल। समझ में आई बात मेरी? हाइड्रोजन के दो दो नहीं, 20 ओके, ठीक है, क्योंकि देखो 10 × 2 = 20 हो जाते हैं ना। यस मैम, चलो अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट बहुत आराम से करा रही, जल्दी निकल करा रही, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, ये क्वेश्चन बहुत आराम से मिलेंगे तुम्हें। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 92.9 ग्राम फॉस्फोरस, P4 फॉस्फोरस, कैलकुलेट the number of atoms and molecule
एंड मॉलिक्यूल इन P4। अब देखो फास्फोरस एटॉमिक मास 31 होता है, मैंने कल लिखवाया था एटॉमिक मास 31 होता है और फास्फोरस ने P4 बनाए, यानी कि एक फास्फोरस के मॉलिक्यूल में चार फास्फोरस के एटम होते हैं, तो मोलर मास कितना हो गया 4 × 31। लिखिए मोलर मास ऑफ P4 इज इक्वल टू 31 × 4, तो ये हो गया आपका 124। अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, 92.9/124, तो ये आ गया 0.75 मोल्स, 0.75 मोल्स, 0.75 मोल्स। ठीक है, अब आपको इस 0.75 मोल्स में मॉलिक्यूल भी बताने हैं और एटम भी बताने हैं। ठीक है, मिटा दूं इसको? यस मैम, मिटा दूं? यस मैम। चलो अब लिखिए 1 मोल ऑफ P4 कंटेन कितने एटम, 4 मोल एटम ऑफ फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस तो 0.75 मोल कितने, मोल कितने होंगे 4 × 0.75, और आपको इसे एटम में कन्वर्ट करना है तो इंटू 6.023 × 10⁻²23 एटम्स, 17.8 × 10⁻²23। ठीक है, सही है, ये तो आ गए एटम, और अब मॉलिक्यूल बताओ, मॉलिक्यूल बताओ, मॉलिक्यूल। और सब लोग फिजिक्स की क्लास अटेंड करो भाई, सब लोग, मैम बार बार कह रही है कि फिजिक्स क्लास को अटेंड करते तुम लोग। 3 हाँ, कितना आया 4.5। मैम मॉलिक्यूल के लिए क्या करते हैं, मॉलिक्यूल वन मॉलिक्यूल के लिए बस सिंपल ऐसे कर ले, देखो 1 मोल ऑफ P4 कंटेन, P4 मॉलिक्यूल ही तो है, 1 मोल मॉलिक्यूल, तो 0.75 कंटेन 1 × 0.75, और मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है तो 6.023 × 10⁻²23 सॉल्व कर लो। ठीक है, P4 एक मॉलिक्यूल है, फास्फोरस का जो मॉलिक्यूल होता है वो P4 की फॉर्म में होता है। अब आगे पढ़ोगे, सल्फर का मॉलिक्यूल जो होता है वो S8 की फॉर्म में होता है, ऐसे ही फास्फोरस का जो मॉलिक्यूल होता है वो P4 की मॉलिक्यूल फॉर्म में होता है। बात समझ में आ रही? अगला क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट, अब मैं 2-3 दिन न्यूमेरिकल ही कराऊंगी, कैलकुलेट अलग अलग तरह के, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बिल्कुल आपके पक्के हो जाने चाहिए ये, किसी भी तरीके का मूल कांसेप्ट का क्वेश्चन आ गया तो तुम कर दो, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन, अब देखो सबसे पहले इसे हम मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, नोट कर लिया आप लोगों ने, मीथेन होता है CH4, सबसे पहले हम इसे मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम मोल
is equal to given mass upon molar mass. आपको CH4 का जो मोलर मास होता है वो होता है 12 प्लस 4 यानी कि 16. तो मोल हो गए आपके 1.6 अपॉन 16 यानी कि 0.1 मोल हो गए, 0.1 मोल हो गए. अब आप देखो CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, CH4 में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ध्यान रखना हमेशा जब इस तरीके का कुछ आए ना तो ये जो कंपाउंड बनते हैं ना उनमें केवल आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं केवल उनको कंसीडर करते हैं हम. अब कार्बन का एटॉमिक नंबर पता है, इतना नोट करो, अब मैं मिटाऊ फिर मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को. इतना नोट करो फिर बताऊंगी मैं. कर लिया. हाँ देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 6, तो 6 का मतलब है 2 और 4, 2 और 4 ठीक है, और हाइड्रोजन का होता है 1. तो जब कार्बन और ये मीथेन बनता है तो वो इस तरीके से बनता है, मैंने आप लोगों को 10th में कराया भी है. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. हाँ बताया ना मैंने. यस मैम. कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं ना, ठीक है. यस मैम. सी एच फोर कंटेन एट इलेक्ट्रॉन्स, इसे हम 8 मोल इलेक्ट्रॉन्स भी मानते हैं, 8 मोल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. हम एक मिनट है. हाँ कोई बात नहीं, एक नहीं है, 2 मिनट है अभी, रुक. 8 मोल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. तो क्या लिखेंगे, हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं वो कितने आए, 0.1 मोल, ठीक है. तो हम क्या लिखेंगे, 1 मोल, अरे यार, 1 मोल CH4 कंटेन 8 मोल इलेक्ट्रॉन. 0.1 कंटेन कितने, 0.8, और इसको इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 6.023 × 10⁻²³ इलेक्ट्रॉन्स. इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ जाएंगे आपके पास. 48.18 कोई बात नहीं, ठीक है. तो इस तरीके से हम लोग कराएंगे इस क्वेश्चन को, या इसमें ये भी कह सकते हैं कि कार्बन में आपके 6 हैं और अगर हम इसको टोटल भी काउंट करें तो 10 होते हैं. अगर हम टोटल भी काउंट करें तो 10 इलेक्ट्रॉन बनते हैं 6 कार्बन में और 6 कार्बन में और 4 हाइड्रोजन में, तो 10 भी बनते हैं. अगर हम 10 मान के चले तो 10 मोल इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी आपके 10 हो गए. इस तरीके से कर दो, टोटल से भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, आउटर मोस्ट से भी, ठीक है. चलो भाई अब मैं वो कर रही हूँ, और किसी को जो भी जिस बच्चे को डाउट है आज मैं क्वेश्चन भेजूंगी, जिसको जो डाउट है प्लीज मुझे बता देना और क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे शाम को आज भेज देना आप लोग, ठीक है. चलो बेटा ओके, ऑल द बेस्ट. अटेंडेंस ले लो. हाँ ले ली मैंने, ले ली स्क्रीनशॉट.